आप सब, मैं हूँ चंचल और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्वस्थ रहो मस्त रहो में। तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो उन्होंने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स अप्लाई किए अपने फेस स्किन के लिए, बट रिजल्ट जीरो है? उनको पता ही नहीं लग रहा, मतलब उनको कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा वो ब्यूटी प्रोडक्ट अप्लाई करके। और ये नहीं उन्होंने एक किया, उन्होंने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए बट स्किन पे रिजल्ट तो दिख ही नहीं रहा। तो टेंशन मत लीजिए, ये वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि स्किन कितनी तरीके की होती है, और इस वीडियो को देखने का फायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा आपकी स्किन कौन से टाइप की है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है या ये वीडियो आपके लिए काम की रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले टाइप की जो हमारी स्किन है वो है ऑयली स्किन। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे कि हमें कैसे पता होगा कि हमारी स्किन ऑयली है या ड्राई है, मतलब। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना फेस वॉश करना है और 2-3 घंटे तक आपको अपने फेस पे कुछ नहीं लगाना है, ना वो मॉइस्चराइजर है ना वो ऑयल है, कुछ नहीं लगाना। उसके बाद छोड़ देना है, हाथ भी नहीं लगाना है इवन। उसके बाद क्या करना है, आपको एक टिश्यू पेपर लेना है या अपनी 2 उंगलियां लीजिए और अपने फेस को वाइप कीजिए। तो आपको उंगलियों पे ही तेल लगा हुआ दिख जाएगा या फिर टिश्यू पेपर जो होगा उस पे ऑयल लगा हुआ दिख जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी जो स्किन है वो ऑयली है। ऑयली स्किन में भी 3 तरह की स्किन होती है। एक तो होती है ऑयली स्किन जिसमें बस ऑयली स्किन होती है और कुछ नहीं होता हमारे फेस पे। दूसरी स्किन होती है ऑयली स्किन प्लस पोर्स, ओपन पोर्स, मतलब छेद छेद से लगते हैं हमारे गालों के आसपास, वो होती है। और तीसरी होती है ऑयली स्किन विद एक्ने। इसमें हमारी स्किन ऑयली तो होती है प्लस बहुत सारे एक्ने होते हैं हमारे फेस में। तो ये थी हमारी पहली टाइप की स्किन। अब हमारी दूसरी टाइप की स्किन होती है, वो होती है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन में क्या होता है कि 12 के 12 महीने मतलब पूरे साल आपकी स्किन खिंची खिंची रहती है, पपड़ी सी फूटती है आपके चेहरे पे, इतनी ड्राई होती है। और अगर आप नहा के भी आते हो, मॉइस्चराइजर भी लगाते हैं, तो थोड़ी देर बाद भी आपको लगता है कि आपके ये वाला रीजन फटाफटा सा हो रहा है, खिंचा खिंचा सा हो रहा है। ड्राई स्किन वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि उनकी स्किन में जो है वो वाटर कंटेंट बहुत ही कम हो जाता है टाइम के साथ। तो ये थी हमारी दूसरी टाइप की स्किन। अब हम चलते हैं तीसरी टाइप की स्किन पे। तीसरी टाइप की स्किन होती है, वो होती है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन मतलब जो जिसमें हमारे टी पॉइंट पे, मतलब ये और ये वाले रीजन पे ही ऑयल होता है, बाकी जो हमारी बची हुई स्किन होती है वो ड्राई होती है। तो इस रीजन में क्या होता है, यहाँ ऑयल होता है, यहाँ ऑयल होता है और यहाँ ऑयल होता है। तो वही आप टेस्ट कर लीजिए, मुंह धो लीजिए, गाल पे हाथ लगाएंगे तो नहीं फील होगा ऑयल, और अगर आप नोज पे लगाते हैं तो आपको ऑयल विजिबल हो जाएगा। ये थी हमारी तीसरी टाइप की स्किन। अब हम चलते हैं चौथी टाइप की स्किन पे। हमारी जो चौथी टाइप की स्किन है वो होती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन के लोगों को कुछ भी लगाने पे, थोड़ा सा कुछ भी लगा ले, चाहे वो नेचुरल नुस्खा हो, चाहे वो घरेलू नुस्खा हो, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, वो तुरंत ही उनको रिएक्ट कर जाता है, उनके एलर्जी हो जाती है, एक्ने हो जाते हैं, मतलब रैशेज हो जाते हैं उनके फेस पे। तो ये थी सेंसिटिव स्किन चौथी टाइप की। हमारी जो पांचवी टाइप की स्किन है वो है नॉर्मल स्किन, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे वो कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट अप्लाई करे चाहे कुछ भी करे, उनकी स्किन में हमेशा नरिशमेंट रहता है, ना वो ड्राई होती है ना वो ऑयली होती है। तो ये थी हमारी 5 टाइप की स्किन। वो 5 तरीके स्किन के की कौन कौन सी स्किन होती है। और अब तक तो आपको भी पता लग गया होगा कि आपकी स्किन कौन से तरीके की है, और आपको पता लग गया तो बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं कि मेरी स्किन इस तरीके की है और मुझे ये उपाय चाहिए। आप चाहते हैं मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं तो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये बहुत बुरी बात है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में एक छोटी सी बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो के मैसेज जल्द से जल्द अपने मोबाइल फोन पर मिल जाएं। और अगर अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, गुड इवनिंग।